हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी एसटेट पीजीटी के रिजल्ट से रिलेटेड। आपका एसटेट पीजीटी के इंग्लिश का रिजल्ट जारी हो चुका है, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करेंगे एक्चुअल में जो आपके हरियाणा एसएससी का जो बोर्ड है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस के अंदर क्या डाला गया है और जो आपका एसटेट पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आया है वो कब का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए थे उन्हीं का जो रिजल्ट जारी हुआ है या फिर पहले कोई एग्जाम था उसका रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसी से रिलेटेड नोटिस है। और पूरा रिजल्ट रोल नंबर वाइज दिया गया है कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले अपना रिजल्ट देख चुके हैं, जिनका रोल नंबर आ चुका है उस लिस्ट के अंदर, उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? अब देखिए, जिनने रिजल्ट नहीं देखा है और एग्जाम दिया हुआ था, अब हम उसकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे हरियाणा एसएससी की। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट जरूर करती हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले हरियाणा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसको ओपन करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप भी डाल सकते हैं hssc.gov.in, ठीक है? ये आप यूआरएल ऐड करेंगे। अब देखिए, आप नीचे चलेंगे, जो नोटिस आपको मिलेगा वो नीचे मिलेगा आपको पब्लिक नोटिस में। पब्लिक नोटिस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है, पब्लिक नोटिस के। अब देखिए, जो इसका लेटेस्ट है आपका फर्स्ट लिंक, उसी को देखिए। क्या दिया है? फाइनल रिजल्ट रिमेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 5। तो ये जो रिजल्ट जारी हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 का है और कैटेगरी नंबर क्या है? 5 है। अब देखिए, इस नोटिस को हम ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या दिया है? तो पीडीएफ फाइल आप ओपन करेंगे तो देखिए, ये आपका नोटिस है। तो क्या दिया है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट फाइनल रिजल्ट रिमेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2015 कैटेगरी नंबर 05। चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाइड मेमो नंबर, देख लीजिए ये मेमो नंबर है, डेटेड 5 मार्च 2019, हैज इन्फॉर्म्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट्स वेयर रिजल्ट ऑफ एसबीसी हैज बीन पुट ऑन होल्ड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर्स द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सेल ट्रीट द एसबीसी पोस्ट टू बी अंडर द अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये रिजल्ट है ये अभी रिसेंट का नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये दिया गया है, इसका रिजल्ट है कैटेगरी नंबर 5 का। तो पहले इसका रिजल्ट जारी हो चुका था कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में इसका केस चल रहा था, तो अब कोर्ट ऑर्डर लिखा है ना, पुट ऑन होल्ड ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, होल्ड के ऊपर इसका रिजल्ट रख दिया था कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर और अभी जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। आगे दिया है, देयर फॉर इन कंटिन्यूएशन �फ अर्लियर नोटिस डेटेड 23 दिसंबर 2018 ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू वाइवा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। अब देखिए, 23 दिसंबर को क्या हुआ है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाइवा हुआ है पीजीटी इंग्लिश के लिए, कैटेगरी नंबर 5 के लिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा कमीशन हैज फाइनलाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, ठीक है? द रिजल्ट हैज बीन शोन रोल नंबर वाइज एंड कैटेगरी वाइज, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोन इन ब्रैकेट्स, ठीक है? ब्रैकेट में दिखाया गया है कि लास्ट जो स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुआ है उसके कितने मार्क्स है। अब देखिए, ये आपका जनरल का दिया गया है। जनरल के अंदर आपके कितने स्टूडेंट्स हुए हैं? 326 पोस्ट, 07 OH, जनरल का 02 VH, जनरल 317 पोस्ट प्लस 32 SBC, अर्लियर 349 पोस्ट, ठीक है? टोटल ये आप ऐड करेंगे, टोटल पोस्ट कितनी हो गई आपकी? 649 पोस्ट। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे ये उनके रोल नंबर्स है, ये जनरल है, ये आपकी SC के है, ठीक है?
जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे उन्हीं का रिजल्ट ये जारी हुआ है। तो आपने अगर वो एग्ज़ाम दिया था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वाइबा हो चुका था और आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया था। तो आगे दिया है, नॉट द अबव रिमेनिंग रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इज बीइंग डिक्लेयर्ड इन कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाइड मेमो नंबर दिस मार्च 2019 विद द डिक्लेरेशन ऑफ अबव रिजल्ट द मेरिट एंड कैटेगरी ऑफ सर्टेन कैंडिडेट्स वॉज रिजल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड हैज़ बीन अफेक्टेड एंड सेम सेल बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। आगे दिया है, दिस रिजल्ट इज फर्दर सब्जेक्टेड टू पेंडिंग CWP, ये CWP नंबर है। आगे दिया है, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडिंग SLP नंबर दिया है आपका, टाइटल्ड एज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एट्सेट्रा वर्सेस प्रियंका एंड अदर्स। आगे दिया है आपका, द रिजल्ट ऑफ EBPG हैज़ बीन विद द हेल्ड इन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए नीचे सब में यही बातें की गई है कि जो कुछ अपलोड रिजल्ट अपलोड करने में टेक्निकल एरर, जैसे आप फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया, व्हाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग द रिजल्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इन एडवर्टमेंट टेक्निकल एरर्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट द कमीशन रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द सेम लेटर ऑन द रिजल्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द हरियाणा SSC वेबसाइट www.haryanassc.gov.in। ठीक है, ये आपका नोटिस है। तो आपका ये रिजल्ट जारी हुआ है, यदि आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो पहले आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।